यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश में 500 निजी बसों को चलाने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा रोडवेज की ओर से लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का कहना है कि हरियाणा की जनता केवल सरकारी रोडवेज के भरोसे पर नहीं छोड़ी जा सकती, जनता के लिए प्राइवेट बसों को भी चलाना जरूरी है और 500 निजी बसों को सरकार के परमिट पर चलाया जाएगा और प्राइवेट बसों में विभाग के कंडक्टर लगाए जाएंगे। 2017-18 में मैंने आपके सामने 600 बसों को बेड़े में डालने का वायदा किया था। हमने लेलैंड कंपनी L1 आई थी, हमने 600 बसों की चेसी आ चुकी हैं और लगभग HREC गुड़गांव से उनकी बॉडी बनकर के डिफरेंस डिस्ट्रिक्ट में जो हमने जो टाटा के डिपो हैं, लेलैंड के डिपो हैं, उनमें बसें भेजने का काम किया है। अब सन 2018-19 के ईयर में हमारी योजना है कि हम 150 मिनी बस लेंगे और 150 जो हमारी वोल्वो और ऑर्डिनरी के बीच की हम एक बस चलाने जा रहे हैं, जिससे कि आम आदमी AC को लाइक करता है उसका फ़ायदा उठा सके। हमने पायलट प्रोजेक्ट पर एक बस बना करके HREC गुड़गांव से दिल्ली चंडीगढ़ चलाई थी, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। उसी पैटर्न पर हमारी योजना है और 350 बस और ऑर्डिनरी हम अपने बेड़े में डालने जा रहे हैं। ये मेरी तरफ से फाइल निकल कर माननीय मुख्यमंत्री के अप्रूवल के लिए गई है, जैसे भी आ जाएगी हम बसें इस ईयर में डालें।